नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का ऋण लेने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला जून 2019 में ज्योति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके प्लॉट को किसी व्यक्ति ने अपने नाम करके उस पर कब्जा कर पीएनबी बैंक से 2.5 करोड़ का लोन लिया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जांच में पाया कि आनंद कसेरा नाम के व्यक्ति और उसकी बहन के ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर पीड़िता ज्योति के प्लॉट को अपना बताकर उसकी फर्जी रजिस्ट्री कराई और उस फर्जी रजिस्ट्री को बैंक में गिरवी रखकर बैंक से करीब 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। पुलिस ने मामले में बैंक से पूरे दस्तावेज बरामद कर आरोपी आनंद कसेरा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपी काफी दिनों से पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। वहीं अब पुलिस बैंक के उन अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है जिन्होंने लोन पास किया था। पुलिस हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। अगर मामले में बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। वहीं पकड़े गए आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ करेगी। इसी तरह की कई शिकायत और भी आई जिनमें बैंक को जागरूक रहना पड़ेगा और जिसे लोन दे रहे हैं पहले उसकी बारीकी से जांच कर लें कि जिस प्लॉट पर लोन लिया जा रहा है वो प्लॉट उनका है भी या नहीं। सर, पीएनबी ऋण घोटाले के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सर, किस तरह का मामला है और कैसे आपकी गिरफ्तारी हुई? सर, ये जून 2019 में श्रीमती ज्योति मेघानी द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका जो प्लॉट है वो किसी और व्यक्ति ने अपने नाम पे करके उस पर बैंक से करीब 2.5 करोड़ का लोन लिया है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया ये आपराधिक मामला मानते हुए इस पर संज्ञान लेते हुए धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत कायमी की थी। इस पूरे प्रकरण की जब विवेचना में पाया गया कि आनंद कसेरा नाम का व्यक्ति है वो उसकी जो बहन के ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा और उसके द्वारा सबने मिलकर एक ज्योति मेघानी के प्लॉट को अपना बताकर रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री करवाई थी। उस फर्जी रजिस्ट्री को बैंक में गिरवी रख के करीब 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंक से भी पूरे पेपर्स हम लोगों ने जब्त किए हैं और ये जो व्यक्ति आनंद कसेरा ये काफी दिनों से पुलिस उसकी तलाश में थी, ये लेकिन पुलिस से हमेशा बचता हुआ निकल रहा था। कल इसको पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा। सर, इसमें अफसरों की भी मिलीभगत सामने आएगी सर, क्योंकि इसने जिस तरह फर्जी रजिस्ट्री से लोन लिया। सर, इसमें फर्जी रजिस्ट्री, जब भी कोई बैंक लोन देता है तो उस प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में वो लोन दे रहा है उसको वो उसकी सर्चिंग होती है। तो अभी हम बैंक के अधिकारियों से पूछेंगे जिन अधिकारियों ने भी इस लोन को पास किया है कि उन्होंने जो बैंक की जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी की है या नहीं की है। यदि उनको ये रजिस्ट्री उन्होंने चेक करवाई होगी रजिस्ट्रार ऑफिस से तो किस प्रोसेस के तहत उन्होंने चेक करवाई है वो सब चीजें भी इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है और इन्वेस्टिगेशन में हर बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं। इसको अभी गिरफ्तार किया है, इससे हम पुलिस रिमांड भी लेंगे और उससे और भी पूछताछ करेंगे। सर, शिकायत और भी कई शिकायतें आई इसके खिलाफ? इसके खिलाफ तो यही शिकायत थी, पर इस तरह की मूलतः शिकायतें और भी मिलती रही है कि लोग किसी और की रजिस्ट्री को अपना बताकर उस पर लोन ले रहे हैं और ये बैंक की, मैं समझता हूँ बैंक लेवल पर थोड़ा सा इसमें जागरूकता की जरूरत है कि जिस प्रॉपर्टी पे भी लोन दे रहे हैं उसको ठीक से एक बार चेक करा ले कि वो प्रॉपर्टी का सही मालिक है या नहीं। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।